हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोको से निकले हुए छिलके से हम कोकोपीट किस तरीके से बना सकते हैं। आज ए टू जेड जानकारी मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं। तो ये हमारे सामने कोको की कटिंग्स रखी हुई है, जो ऊपर के छिलके निकलते हैं उसकी कटिंग हमारे सामने है। तो हमें इससे किस तरीके से बनाना है, क्या क्या इसमें काम करने हैं, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में काफ़ी देखे हैं यूट्यूब पर कि किस तरीके से मिक्सर में कोई बोलता है कि कोकोपीट को तैयार कैसे करना है। तो मिक्सर में हम करेंगे तो मिक्सर का ग्राइंडर हम महंगा लेकर के आते हैं, महंगा ग्राइंडर ख़राब हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी आपको तकनीक बताएंगे कि आपके पास से कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। और तो जितना कोको से एक नारियल से छिलका निकलेगा, उस छिलके का हम पूरा कोकोपीट किस तरीके से बनाएंगे मैं वो बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स, हम नारियल को छिलते हैं तो इस प्रकार का छिलका हमारे सामने निकल के आता है। तो इस छिलके से हम कोकोपीट किस तरीके से तैयार करते हैं मैं वो बताऊँगा। तो हमें क्या करना है, ये जो छिलके को है ऐसा रब्स कर लेना है, और इसे सभी छिलके को हम इसी तरीके से कर लेंगे छिलके। ये मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बाकी कुछ किस तरीके से किया है वो बताऊँगा। तो इसके लिए हमारे पास मेनली कैंची होना चाहिए। कैंची से हम इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब कई वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसा ही इसे रब करिए, रब करने के बाद जो है कोकोपीट नीचे गिर जाएगा, तो बाद में हमारी ये बच जाती है, ये हमारे किसी काम नहीं आती है। तो हमारा मेन थीम जो रहता है कि हमारे गमले में, हमारे जिसमें हमने प्लांटिंग किया है उस मिट्टी में नमी रहनी चाहिए और मिट्टी भुरभुरी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जो इसके रेशे हैं ये भी काम में आते हैं। जैसे हम बारीक टुकड़े करेंगे तो हम इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हाथ में लेकर बताता हूँ, जैसा ये हमने निकाला है तो ये हम मिट्टी में डालेंगे तो ये भी हमारी मिट्टी में नमी और भुरभुरीपना बना के रखेंगे। तो ये भी हमारे काम में आती है, लगे तो हम इसे कैंची से बार बार रब कर सकते हैं कि इतनी बारीक हमारी बने। तो जो हमारा कोकोपीट बनेगा वो भी हमारे काम में आएगा, और ये जो है ये भी हमारे काम में आएंगे। बाकी हम और काटने के बाद इसे और छोटे टुकड़े में इस तरीके से कर लेंगे, बार बार इसे रब कर लेंगे कैंची से कि जितने छोटे टुकड़ा होना है हमारे उतने हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसे करते रहता हूँ आप। अब हम इसे थोड़ा सा रब कर लेंगे। ये हमारा बचा हुआ है, ये भी हम नहीं कलम लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, तो इसके अंदर हम कलम रख के उसे बांध के कलम को लगा सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी डाल के।